माता अन्नपूर्णा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम माता अन्नपूर्णा की तुम्हें कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, आज हम माता अन्नपूर्णा की कथा का वर्णन करेंगे। भक्तजनों, माघ मास की पूर्णिमा को अन्नपूर्णा जयंती के रूप में मनाया जाता है। कहते हैं इस दिन माता अन्नपूर्णा जीवों के कल्याण के लिए प्रकट हुई थी। वैसे तो माँ अन्नपूर्णा का यह व्रत 21 दिनों तक किया जाता है। यदि 21 दिन ना किया जाए तो मार्गशीर्ष की पूर्णिमा को ही व्रत करना चाहिए और माता अन्नपूर्णा का ध्यान करना चाहिए। इस व्रत के करने से भक्तों के घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं रहती। भक्तों, माता अन्नपूर्णा किस प्रकार प्रकट हुई, आइए सुनते हैं ये पौराणिक कथा। बड़ी ही प्राचीन ये भक्तों माँ अन्नपूर्णा कथा। जब भिक्षुक स्वयं शंकर जी को बनना पड़ गया था, एक समय ये धरती सारी बंजर हो गई है, क्योंकि अनेकों ही वर्षों तक वर्षा नहीं हुई है। अन्न का संकट धरती के जीवों पर आया है, इस चिंता ने सारे ही देवों को सताया है। विष्णु जी के पास में फिर तो सभी देवता आए, धरती सारी बंजर हो गई चिंता दी बतलाए। बोले समाधान इसका हम आपसे चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जब सभी देवताओं ने विष्णु जी से आकर विनती की कि धरती पर अनेकों ही वर्षों तक बरसात नहीं हुई, इस प्रकार तो सभी भूख से बेहाल हो जाएंगे और धरती से जीवन ही नष्ट हो जाएगा। आप तो सभी जीवों के पालन करता है, आप कुछ उपाय करें। विष्णु जी कहने लगे, आप सभी देवतागण भगवान भोलेनाथ की शरण में जाएं, वो इस समस्या का अवश्य समाधान कर देंगे। फिर सभी देवता एकत्रित होकर भगवान भोलेनाथ की शरण में आते हैं और उन्हें अपनी समस्या से अवगत कराते हैं। तो भगवान भोलेनाथ ने उन्हें माँ पार्वती की आराधना करने का उपाय बताया। सब देवों ने फिर तो भक्तों माता का ध्यान लगाया, प्रकट हो गई माता जब देवों ने उन्हें बुलाया। बोले देवता, आप तो माता अंतर्यामिनी हो, क्या संकट है धरती पर सब कुछ तो जानती हो। अन्न के संकट से ये सारे प्राणी व्याकुल हैं, जानते हैं हम आपके पास ही मिल सकता कोई हल है। माता ने आश्वस्त देव को तो कर दिया है, प्रकट स्वयं को अन्नपूर्णा रूप में कर लिया है। भोलेनाथ फिर एक भिक्षुक का रूप बनाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब माँ पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप बनाया तो भोलेनाथ ने भिक्षुक का वेश बनाया और स्वयं आकर माता अन्नपूर्णा से भिक्षा मांगी। भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर भोलेनाथ स्वयं धरती पर आ गए, उसे जीवों में वितरित कर दिया, इससे अन्न संकट नष्ट हो गया। फिर से धरती पर फसलें उगने लगी। भक्तजनों, माता के इसी रूप के आगे भगवान भोलेनाथ स्वयं भिक्षुक के रूप में खड़े हैं और उनसे भिक्षा मांगते हुए दिखाई देते हैं। भक्तजनों, माता अन्नपूर्णा के व्रत की एक प्राचीन कथा है, जिसे प्रति सुन करके माता अन्नपूर्णा और भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करते हैं। आइए सुनते हैं वही प्राचीन कथा। धनंजय नाम का ब्राह्मण एक काशी नगरी में रहता। उस ब्राह्मण के घर में भक्तों बड़ी ही थी निर्धनता, और धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा है। निर्धनता के श्राप से चाहती वो भी बचना है। बोली अपने पति से, कब जागेगी किस्मत सोई, हो निर्धनता दूर हमारी करो उपाय कोई। बात उन्होंने अपनी पत्नी की फिर मानी है, प्रसन्न करूंगा भोलेनाथ को मन में ठानी है। शीघ्र ही भोलेनाथ प्रसन्न भक्तों हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, इस प्रकार पत्नी की बात सुनकर धनंजय ने भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने का मन में विचार कर लिया और काशी विश्वनाथ मंदिर में भोलेनाथ की कठिन तपस्या में लीन हो गया। अनेकों दिनों तक उसने अन्न का एक भी दाना ग्रहण नहीं किया। धनंजय की तपस्या देखकर भोलेनाथ अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने तपस्या में लीन धनंजय के कान में 3 बार अन्नपूर्णा 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 कहा। जब धनंजय ने आंख खोली तो भोलेनाथ अंतर ध्यान हो गए। धनंजय के समझ में कुछ भी नहीं आया। उधर से कुछ पंडित पूजा पाठ करके लौट रहे थे तो धनंजय ने पंडितों से पूछा, ये अन्नपूर्णा कौन है? तो पंडित कहने लगे, तुमने कई दिनों से अन्न ग्रहण नहीं किया, इसीलिए तुम अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कह रहे हो। जाओ अपने घर जाकर भोजन करो। अन्नपूर्णा कौन धनंजय कुछ न समझ पाया, छोड़ तपस्या लौट के अपने घर में चला आया। पत्नी को आकर के उसने सारी बात कही, अन्नपूर्णा कान में मेरे कह कर गया कोई। उसकी पत्नी सुलक्षणा सुन कर के ये लगी कहने, छोड़ तपस्या स्वामी भूल बड़ी कर दी है तुमने। काशी विश्वनाथ मंदिर में लौट के फिर जाओ, वैसे ही जा कर के भोलेनाथ का ध्यान लगाओ। भोलेनाथ सदा भक्तों की तो बिगड़ी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे अन्नपूर्णा माँ,
भक्तजनों, अपनी पत्नी की बात सुनकर धनंजय फिर से काशी विश्वनाथ मंदिर में आकर भोलेनाथ का ध्यान करने लगा। अनेक दिनों तक भूखे प्यासे रहकर उसने भोलेनाथ की कठिन तपस्या की। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर फिर से धनंजय के कान में कहा, तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ, अन्नपूर्णा कौन है तुम्हें अपने प्रश्न का उत्तर भी मिल जाएगा। भोलेनाथ की इच्छा जानकर धनंजय पूर्व दिशा की ओर चल दिए। पूर्व दिशा की ओर धनंजय बढ़ता जाता है, एक बड़ा ही सुंदर वन उसको मिल जाता है। ऐसा सुंदर वन तो उसने कभी न देखा है, चांदी जैसे चमक रहा वन अद्भुत शोभा है। अनेकों ही सुंदर झरने जिस वन में बहते हैं, और विहार अनेकों ही पशु पक्षी करते हैं। बढ़ने लगा धनंजय जैसा शिव ने उसे बताया, एक सरोवर बड़ा ही सुंदर उसके आगे आया। कदम स्वयं ही देख सरोवर को रुक जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जैसे ही धनंजय उस सरोवर के पास आया तो उसे वही स्वर सुनाई पड़ा जो भोलेनाथ ने उसके कान में कहा था। निकट आकर देखा तो अनेकों अप्सराएं झुंड बनाए बैठी हुई थी। उनमें से एक अप्सरा कथा कह रही थी और बाकी अप्सराएं मां अन्नपूर्णा कहकर हुंकारे भर रही थी। धनंजय उनके पास आकर पूछने लगा, हे बहनों, आप क्या कर रही हैं और ये अन्नपूर्णा कौन है? तब वो कहने लगी, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं और उनकी कथा सुन रही हैं। धनंजय ने पूछा, इस व्रत के करने से क्या होता है और इसको किसी ने किया भी है? ये व्रत कब किया जाए, कैसे किया जाए, मुझे सब विस्तार से बताओ। तब अप्सराएं उनसे कहने लगी, सुनो धनंजय, इस व्रत को कोई भी कर सकता है। 21 दिन का वैसे तो उपवास ये बनता है। 21 गांठ का सूत जिसके लिए लेना पड़ता, 21 दिन तक व्रत अगर कोई ना तो कर सकता। एक ही दिन की व्रत विधि को उसे निभाना चाहिए, अन्नपूर्णा माता का ही तो ध्यान लगाना चाहिए। और यदि एक दिन का व्रत भी किसी से ना किया जाए, तो फिर सुने इस व्रत कथा को औरों को भी सुनाए। सुनने वाले कथा को व्रत का ही फल पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। उन अप्सराओं ने धनंजय को बताया, 21 दिन का उपवास ना किया जाए तो एक दिन ही उपवास रखना चाहिए। यदि कोई एक दिन भी उपवास नहीं रख सकता तो सिर्फ कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करे या निराहार रहकर कथा कहे। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्तों, घृत कुमारी या सूर्य देव को साक्षी मानकर या दीपक जलाकर गाय, तुलसी या महादेव को कथा सुनाएं।
बिना मुख में एक दाना भी डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिन का उपवास और रखें। व्रत के दिन क्रोध ना करें और ना ही झूठ बोलें। तब धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? अप्सराएं कहने लगीं, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, लूलों को हाथ मिले, निर्धन को धन आए और बांझन को संतान मिले, मूर्ख को विद्या मिले और जो कोई भी व्रत करे माँ अन्नपूर्णा उनकी सभी इच्छाएं पूर्ण करें। धनंजय कहने लगा, हे बहनों, मैं तो बड़ा ही निर्धन हूँ, क्या तुम मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी? अप्सराएं कहने लगी, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, ले ये 21 गांठों का सूत। इक्कीस गांठों वाला सूत फिर तो उसने लिया है, 21 ही व्रतों को श्रद्धा भाव से उसने किया है। 21 व्रत धनंजय के तो पूरे हुए जैसे ही, 21 खंड की एक स्वर्ण सीढ़ी प्रकट हुई। शुद्ध सोने की सीढ़ी जिसमें हीरे मोती जड़े, स्वर्ण सीढ़ी देख धनंजय हुए हैरान बड़े। धनंजय उस सीढ़ी से नीचे उतरने लगता है, जय माँ अन्नपूर्णा हर एक खंड में कहता है। 21 खंड भी पूरे फिर तो हो ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, इस प्रकार जैसे ही धनंजय उस अलौकिक सीढ़ी से नीचे उतरने लगा, 21 खंड पूरे होते ही सामने देखता है करोड़ों सूर्य के जैसे प्रकाशमान माता अन्नपूर्णा का मंदिर बना हुआ है, जहां स्वर्ग सिंहासन पर स्वयं माता अन्नपूर्णा विराजमान है और भोलेनाथ उनके सामने भिक्षा मांगने हेतु खड़े हुए हैं। अनेकों देवांगनाएं चवर डुला रही हैं और अनेकों हाथ जोड़कर खड़ी हैं। धनंजय हाथ जोड़कर माँ जगदम्बा के चरणों में गिर गया। देवी उनके मन का भेद जान गई। धनंजय कहने लगा, हे माता, आप सब कुछ जानती हैं, मैं अपने मुख से अपनी व्यथा कैसे बताऊं? माता कहने लगी, हे धनंजय, तुमने मेरा व्रत किया है, तेरा कल्याण होगा और सारा संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर अपना बीज मंत्र लिख दिया, जिससे उसके रोम रोम में ज्ञान प्रकट हो गया। इतने में क्या देखता है, उसने स्वयं को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। धनंजय खुद को समझ रहा था बड़ा ही भाग्यवान, अन्नपूर्णा माँ ने भर दिया रोम रोम में ज्ञान। जैसे ही अपने घर में वापस लौट के आया, बदले हुए हालात वहाँ के सारे हैं पाया। समझ के निर्धन करते अनादर जो भी संगी साथी, उसके घर में आज तो उनकी भीड़ है लगी हुई। छोटा हो या बड़ा सभी करे उसे सादर प्रणाम, अन्नपूर्णा माता ने किए सिद्ध है सारे काम। अन्न और धन से भंडार सभी भर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों,
माता अन्नपूर्णा की कृपा से धनंजय थोड़े ही दिनों में बहुत धनवान बन गया। जो सगे संबंधी और रिश्तेदार निर्धन समझकर उससे बात नहीं करते थे, उनकी भीड़ उसके घर पर लगी रहने लगी। एक दिन उसके रिश्तेदार ने धनंजय से कहा, तुम इतने धनवान हो और सुलक्षणा से तुम्हें कोई संतान भी नहीं हुई, तुम्हारे बाद इस संपत्ति को कौन भोगेगा? अतः तुम्हें दूसरा विवाह कर लेना चाहिए। ना चाहते हुए भी रिश्तेदारों ने धनंजय का दूसरा विवाह करवा दिया, तो सुलक्षणा को सौत का दुख भोगना पड़ा। धनंजय अपनी दूसरी पत्नी के साथ दूसरे घर में रहने लगा, किंतु धनंजय की पत्नी सुलक्षणा को माता अन्नपूर्णा पर पूर्ण विश्वास था। वो माता अन्नपूर्णा की पूजा करने लगी। एक वर्ष बाद जब अन्नपूर्णा जयंती दोबारा आई तो सुलक्षणा ने धनंजय से कहा, माता अन्नपूर्णा की कृपा से हमें ये सब प्राप्त हुआ है, अतः आप मेरे साथ रहकर 21 व्रत पूरा करें। नई बहू को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। धनंजय माता अन्नपूर्णा के व्रत करने के लिए सुलक्षणा के घर में आ जाता है। माँ अन्नपूर्णा देवी ने उसे तो धनवान बनाया, मानी बात सुलक्षणा की तो व्रत करने चलाया। नई बहू को इसके बारे में कुछ पता नहीं है, इंतजार वो अपने पति का नए घर में कर रही है। 21 व्रत धनंजय को तो पूरे करने थे, 18 दिन है जैसे तैसे तो बीत गए। 21 व्रत पूरे होने में अभी 3 दिन बाकी, नई बहू जो थी उसकी वो लौट के आ जाती। 21 व्रत नहीं उसके पूरे हो पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। भक्तजनों, जैसे ही नई बहू को पता लगा तो वो ईर्ष्या की ज्वाला में जलने लगी। घर में आकर उसने हंगामा कर दिया और धनंजय को वापस ले गई। 21 व्रत पूरे होने में अभी 3 दिन बाकी थे। धनंजय लाचार था, वो नई बहू के साथ घर में आ गया। जब रात को धनंजय सोया था तो नई बहू ने व्रत के सूत को तोड़कर आग में फेंक दिया, जिससे माता अन्नपूर्णा क्रोधित हो गई। उसी रात उनके घर में आग लग गई। सुलक्षणा को जैसे ही पता चला, तुरंत दौड़ी दौड़ी आई और अपने पति को समझाया, हे स्वामी, आप मेरे साथ घर चले, माता अन्नपूर्णा बड़ी दयावान है, आप पर फिर से कृपा करेंगी, क्योंकि पुत्र कुपुत्र हो सकता है, माता कभी कुमाता नहीं होती। सुलक्षणा जैसे ही धनंजय को लाई तो नई बहू रूठ कर अपने घर में चली गई और धनंजय फिर से माता का ध्यान करने लगा। अन्नपूर्णा माता का जो फिर से किया है ध्यान, माता ने आकर के उसको फिर है दिया वरदान। बोली धनंजय, स्वर्ण की मूर्ति मेरी ले जाओ, करके स्थापित इसको ही तुम मेरा ध्यान लगाओ। अब कोई भी कष्ट नहीं जीवन में आएगा, और पुत्र भी सुलक्षण से तुमको हो जाएगा। स्वर्ण मूर्ति अन्नपूर्णा माँ की वो ले आया, काशी विश्वनाथ मंदिर में लौट के वापस आया। नगर के वासी सब इस बात को जान ही जाते हैं,
पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जनों, जब नगर वासियों को इस बात का पता चला कि धनंजय माता अन्नपूर्णा की स्वर्ण मूर्ति लेकर आ गया, तो उसी नगर में एक सेठ बड़ा ही धनवान था, जिसको संतान नहीं थी। उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवाया और विधि विधान से उस मूर्ति को मंदिर में स्थापित करवाया। माता अन्नपूर्णा की कृपा से उस सेठ को भी संतान हो गई। सेठ ने धनंजय को मंदिर का मुख्य पुजारी बना दिया और खूब दान दक्षिणा आने लगी, जिससे धनंजय खुशी खुशी जीवन व्यतीत करने लगा। सुलक्षणा को भी समय पूरा होने पर एक पुत्र हुआ। उधर नई बहू के घर में डाका पड़ गया। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला, तो उसने नई बहू को अपने पास बुला लिया और उसके खान पान का प्रबंध किया। अन्नपूर्णा माँ की कृपा हुई धनंजय पर, अन्न और धन से भर गया है फिर तो उसका घर। अन्नपूर्णा माँ के व्रत की भक्तों यही कथा है, सुनने मात्र से ही जिसको मिट जाती सभी व्यथा है। श्रद्धा भाव से अन्नपूर्णा व्रत जो भी करते हैं, धन वैभव से घर सदा उन भक्तों के भरते हैं। अन्नपूर्णा माँ के चरणों में करता वंदन, सोनो टेक परिवार सहित ये हंस राज रलहन। फौजी सुरेश और डीएस पाल भी महिमा गाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। शिव भी भिक्षुक बनकर जिनके द्वार पे आते हैं, हम कथा सुनाते हैं।